हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी जॉयफुल। आज का वीडियो किसे देखना चाहिए? वो व्यक्ति जिसे इंग्लिश पढ़ना सीखना है कि सर हम कैसे इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वो व्यक्ति जिसे इंग्लिश समझना है कि सर हम इंग्लिश कैसे समझ सकते हैं, वो व्यक्ति जो इंग्लिश में बिगिनर्स हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ने नहीं आता, उन्हें ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए। वो व्यक्ति जिन्हें इंग्लिश बोलना है, फ्लुएंसी लाना है, वो व्यक्ति जिन्हें इंग्लिश वर्ड मीनिंग इम्प्रूव करने हैं, वो व्यक्ति जिन्हें प्रॉब्लम्स होती है कि सर ग्रामर हमें इसमें समझ में नहीं आता है, वो व्यक्ति जिसे ट्रांसलेट करने नहीं आता सर हम ट्रांसलेट कैसे करें, हमें समझ में नहीं आता हम कैसे ट्रांसलेट करें, तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इस स्टोरी के माध्यम से और कुछ सीखने की प्रयास करते हैं। मैं आपको कुछ सिखाने का प्रयास करता हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका जो शीर्षक है द रिस्पेक्टेड पुअर, जिसका मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो गरीब है लेकिन उन्हें सम्मान मिला है, रिस्पेक्टेड पुअर। अकबर ऑफन का मतलब, ये जो ऑफन वर्ड है इसका मतलब होता है प्रायः। यूज्ड टू का अर्थ होता है, यूज्ड टू जब भी प्रयोग होता है किसी सेंटेंस में तो आप ये समझिए कि आदत को दिखाया जा रहा है। क्या चीज़? आदत को दिखाया जा रहा है, यानी आदत का, आदत के बारे में बताया जा रहा है कि अकबर कैसा है। तो अकबर की एक आदत है, कौन सी आदत है? आस्क हिज क्वेश्चंस ट्रिकी। अकबर ऑफन यूज टू आस्क हिज क्वेश्चंस ट्रिकी। अकबर ऑफन अकबर ऑफन यूज टू आस्क हिज कोर्टियर्स ट्रिकी क्वेश्चंस। यहाँ पर है कॉमा, आपको यहाँ पे रुकना है। अब आप ये समझ गए कि इस वर्ड्स को कैसे पढ़ते हैं, तो अब हम समझते हैं इस वर्ड्स का क्या मतलब है। तो ऑफन का मतलब होता है प्रायः। यूज्ड टू ग्रामर है, ग्रामेटिकल टर्म है। तो यूज टू का प्रयोग कब करते हैं? तो जब भी आदत को दिखाना हो तो आपको क्या करना है, यूज टू का प्रयोग करना है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे यूज टू का प्रयोग हुआ है, हिज यानी उसका, ठीक है। कोटियर्स ट्रिकी का, कोटियर्स का अर्थ होता है दरबारीगण, और ट्रिकी का मतलब होता है ऐसे सवाल जो उलझा देता है। अब भी जानते हैं कि वैसे बहुत सारे सवाल होते हैं जो उलझा देता है, ठीक है। तो अकबर को इस चीज़ का आदत है कि लोगों से ट्रिकी सवाल पूछने का, यानी ऐसे सवाल जो उलझा दे, ठीक है। बट लेकिन इट वॉज ऑलवेज बीरबल हु आंसर्ड हिज क्वेश्चंस करेक्टली। क्या कि बट यानी लेकिन, इट वॉज ऑलवेज हमेशा बीरबल हु, जिसने आंसर मतलब जवाब दिया, हिज क्वेश्चंस उसके सवालों का, करेक्टली मतलब बिल्कुल सही सही, इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पे फुल स्टॉप था, रुक जाना है। वन डे एक दिन ही आस्क्ड बीरबल, उसने बीरबल से पूछा, यानी अकबर ने बीरबल से पूछा, ठीक है। इज इट पॉसिबल, इसका मतलब है क्या ये संभव है, फॉर अ मैन एक व्यक्ति के लिए, टू बी पुअर जो कि पुअर हो, ठीक है, कैसा होना चाहिए, टू बी पुअर पुअर हो, एंड एट डिमांड रिस्पेक्ट, कैसा व्यक्ति होना चाहिए, गरीब होना चाहिए, लेकिन एट का मतलब होता है अभी भी, ठीक है, अभी डिमांड रिस्पेक्ट, फिर भी कह सकते हैं इसका मतलब, फिर भी वो रिस्पेक्ट डिमांड करता हो, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान चाहता हो। तो अकबर ने क्या कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है या कोई ऐसे व्यक्ति के लिए हो सकता है जो कि गरीब है लेकिन वो रिस्पेक्ट चाहता हो, उसे रिस्पेक्ट, वो चाहता है कि हमें हमारे सम्मान हो। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, यस रहिए हाँ, योर मैजेस्टी, इसका मतलब होता है महाराज, रहिए हाँ महाराज, ऐसा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पेक्ट लेने के काबिल हैं, बहुत सारे ऐसे पुअर हैं जिन्हें रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। अकबर वाज सरप्राइज्ड, अकबर आश्चर्य में था, ऐसा कैसे हो सकता है। ही हिमसेल्फ, यह है हिमसेल्फ,
यानी उसने स्वयं को, ही हिमसेल्फ थॉट, उन्होंने खुद सोचा, थॉट वेल्थ इज नेसेसिटी टू अर्न रिस्पेक्ट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये लाइन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी जितने भी लोग हैं सब इसी बात को फॉलो करते हैं कि यदि आपको सम्मान चाहिए तो आपको वेल्थ चाहिए। वेल्थ यानी धन। तो कह रहा है कि वेल्थ इज नेसेसरी, बहुत जरूरी है, नेसेसरी, नेसेसरी करता जरूरी, टू अर्न रिस्पेक्ट। यदि आपको रिस्पेक्ट कमाना है, सम्मान कमाना है, तो आपके पास वेल्थ होना चाहिए। ऐसा वो सोचता था, कौन? अकबर सोचता था, ठीक है। सो इसीलिए ही सैड, उसने कहा, इफ दिस इज पॉसिबल फाइंड सच अ पर्सन एंड ब्रिंग हिम टू मी। ब्रिंग हिम, ये देखो इसका ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाओ। टू हिम मतलब मेरे पास, टू हिम मेरे पास। कि यदि तुम ऐसा कहते हो कि यदि यह संभव है, दिस इज, इफ दिस इज पॉसिबल, यदि यह संभव है, तो फाइंड मतलब खोजो, फाइंड मीन्स खोजो, सच अ पर्सन, सच अ पर्सन का मतलब होता है इस प्रकार के लोग को, जैसा तुम कह रहे हो कि ऐसे गरीब भी हैं जिन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए, तो ढूंढो। बिरबल विजिटेड, बिरबल ने विजिट किया, विजिट का मतलब होता है यहाँ वहाँ घुमा देखा, ठीक है। एवरी कॉर्नर ऑफ द किंगडम, इसका मतलब होता है एवरी कॉर्नर, कॉर्नर मतलब कोना, जो किंगडम है, जो साम्राज्य है, अकबर के साम्राज्य, उस साम्राज्य के हर एक कोना छान मारा, ठीक है। टू फाइंड अ पुअर मैन, एक व्यक्ति को खोजने में, यहाँ पे पुलिस स्टॉप, यहाँ पे रुक जानी है। फाइनली, फाइनली का अर्थ होता है अंततः, यानी लास्ट में। ही फाउंड अ बैगर, उसने किसको पाया, उसने किसको देखा, तो देखा एक बैगर को, बैगर का अर्थ होता है भिखारी। ही लुक्ड वीक एंड वॉक्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, वो कैसा दिखता था, कमजोर, वीक मीन्स कमजोर होता है, ठीक है। एंड वॉक्ड यानी चलता था किसके माध्यम से, विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक, एक स्टिक के सहारे, जिसे आप लोग डंडा कह सकते हैं, इस प्रकार की डंडा के सहारे चलता था पुअर व्यक्ति, जो कि बेगर है यानी भिखारी है। बिरबल टुक हिम, बिरबल उसे लाया, टुक हिम मतलब उसे लाया, टू द कोर्ट, कहाँ लाया, तो कोर्ट लाया, यानी दरबार में लाया, कोर्ट मीन्स दरबार, दरबार लाया। वेन अकबर सॉ द बेगर, वेन का मतलब यहाँ पे होगा जब, जब अकबर ने बेगर को देखा यानी भिखारी को देखा, ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसने, अकबर ने पूछा, दिस मैन लुक्स पुअर, ये आदमी बहुत गरीब दिख रहा है, बट हाउ इज ही वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, इसका मतलब रहे कि तुम कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति इस सम्मान के लायक है, वर्थी मतलब इस सम्मान के लायक है। रिस्पेक्ट, बिरबल स्माइल्ड, बिरबल मुस्कुराया, एंड सैड, और कहा, योर मजेस्टी, महाराज, दिस बेगर इज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट, फॉर ही हैज बिन इन्वाइटेड बाय द ग्रेटेस्ट एम्पायर, एम्पायरर। बिरबल ने क्यों कहा कि ये जो बेगर है ये रिस्पेक्ट के लिए इतने वर्थी क्यों हैं, क्यों इसे सम्मान मिलना चाहिए, लायक क्यों है, क्योंकि ये जो बेगर है इसे किसने बुलाया है, एम्पायरर ने बुलाया है। आप ही सोचिए, जिसे एम्पायरर बुलाएगा वो कितना सम्मानजनक लोगों का, एम्पायरर बुला रहा है अपने घर किसी पुअर को, बहुत बड़ी बात होती है ना, ठीक है। इसीलिए ये बिरबल ने कैसा कहा कि ये सम्मान के लायक हैं क्योंकि आपने बुलाया है। एंड दैट इज यू, कराई कि और आप वो हैं जिन्होंने इन्हें बुलाया है। अकबर वाज प्लीज्ड, अकबर बहुत खुश हुआ, बहुत खुश था, विद बिरबल्स आंसर, यहाँ पे आप कोमा है यानी अपोस्ट्रोफी एस है, इसका अर्थ होता है काके की, यानी बिरबल
के आंसर से, बीरबल के जवाब से अकबर बहुत खुश था। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल।